हेलो दोस्तों, दिस इज रमीराडा फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। जान से मत खेलो। जी हाँ दोस्तों, ये जो टैगलाइन है ना आपने थंबनेल पर जान से मत खेलो, आज उसके ऊपर है। क्या हो रहा है दोस्तों, मतलब मैं देख के मुझे हंसी आती है, उससे ज़्यादा डर होता है कि इतने लोगों के साथ धोखा हो रहा है। आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी मेरे एलॉय व्हील की, जिसमें उसमें भी था जान से मत खेलो। तो उसमें आपने देखा होगा एलॉय व्हील डाले जा रहे हैं, स्कीमों पे नाम पे बेचे जा रहे हैं, ये तरह तरह के की स्कीम ऑफर निकाले जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो भाई हम भाईचारे में बेच रहे हैं। दोस्तों उसका मैं आपको वीडियो बाद में, मतलब ये सब डिटेल एंड में दूंगा, पहले आप देखो क्या ड्रामाबाजी हुई है। एक बाइक रॉयल इनफील्ड एलेक्ट्रा बिल्कुल ब्रांड न्यू निकल के, जो ABS आए अभी, तो वो जाती है बाइक एलॉय व्हील लगने। दोस्तों पहली बात तो मैं सजेशन नहीं करता किसी को भी कि आप एलॉय व्हील लगाओ, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, एलॉय व्हील नहीं लगाऊंगा। लगाने का शौक है तो थंडरबर्ड एक्स में, दोस्तों ध्यान से सुनेगा, थंडरबर्ड एक्स जो डुअल डिस्क ब्रेक वाली है उसमें कंपनी लगा के देती है, अगर आप वो लेंगे वो 10 से 12,000 रुपये आपको मिल जाएंगे इजिली शोरूम पे, वो लगा लो, टेंशन फ्री होकर चलाओ। ये जो आफ्टर मार्केट चल रहे ना, ये वो ये सब मत लगाइए दोस्तों, इसके खिलाफ हूँ। लगाने हैं तो आपको चाहिए तो मैं बता देगा, मैं बता दूंगा कहाँ से लेना है। दोस्तों मैं फिर भी नहीं राय दूंगा, मत लगाइए। अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं कहाँ से लेने हैं एलॉय व्हील, कौन से सही हैं, तो मैं आपको बता दूंगा जल्दी वीडियो बना के कौन से क्या करना है। तो बात करते हैं इस वीडियो की। तो इसमें क्या हुआ, जो बाइक नई थी वो गई है क्लाइंट की, मुझे एलॉय व्हील लगवाने, देखा होगा कुछ उसका तो ये एलॉय व्हील लगवाने, तो उन्होंने एलॉय व्हील लगवाए। कितने के लगाए, क्या लगाया, उसमें क्या कमियाँ थी, वो मैं आपको सब एंड में बताऊंगा, पहले आपको दिखाता हूँ कमी क्या थी। उसके बाद क्लाइंट का कहना है कि मैं उसके बाद गाड़ी में अजीब सी टायर में आवाज़ आने लगी कट 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 की, तो वो दोबारा लेके गए, फिर ऐसी हुआ, फिर उसने कहा एक दिन छोड़ दो, फिर ऐसी हुआ, तीसरी बार में वो हार गए। एंड में मेरे पास कॉल आती है, रमी भाई ऐसे ऐसे मैंने आपकी वीडियो देखी और मेरे एलॉय व्हील में दिक्कत है, तो मैंने छूटते ही पूछा क्या एलॉय व्हील वही वाले हैं, उन्होंने कहा हंस के बोले हाँ भाई वही हैं। तो फिर मैंने कहा यार आपको इतना समझाता हूँ मैं, ये सब की वीडियो बना के डालता हूँ, ऐसा मत करो कि मत करो ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा अब इसका क्या ऑप्शन है, मैंने कहा बाइक भेजिए मेरे पास। तो उन्होंने बाइक भेजी है, देखिए कितने किलोमीटर चली हुई, उसके साथ क्या हुआ है, उसके बाद बताऊंगा आपको इस सब चीज़ों से कैसे बचना है और सब क्यों हो रहा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये बाइक आई हुई है और ये बस मैं नाम लूँगा कहाँ गई थी, आप समझदार हैं भाई। कितनी चली हुई है, 578, ऑलमोस्ट 580 किलोमीटर कह लो आप। और ये शोरूम से आते ही चली गई थी वहाँ, ये एलॉय व्हील लगने ABS वाले, ठीक होता ना ABS वाले एलॉय व्हील, ABS वाले एलॉय व्हील। अब मेन मसला क्या है, इसके पीछे के बैरिंग में आ रही है आवाज़, और क्लाइंट 2 से 3 बार जा चुके हैं उनके पास और उन्होंने क्या करा उसके बाद, नए रिम, देखिए नए रिम में बोलते तो भाई मेरी गारंटी है, भाई काहे की गारंटी है भाई, लोगों के पैसे आराम से, तुमने समझ रखे, मजाक समझ रखा है तुमने लोगों के साथ। ये देखो भोगली यहाँ से पूरी घिस के लगा देखिए, ठीक। पहली बात तो इसकी जो ओरिजिनल भोगली निकली थी ये वो नहीं है, ये ओल्ड मॉडल की भोगली लगा रखी है। आपने नोटिस किया होगा जो मैंने पहले वीडियो में डाल रखी थी, इससे पहले जो ऑफर वाले एलॉय व्हील, अगर नहीं है आपने देखी तो यहाँ देखिए लिंक आया होगा वो देखिए, उसके अंदर भोगली अलग निकली और ये उन्होंने डाल दी ओल्ड मॉडल की। इसकी भोगली लगाता हूँ कैसे, कुल 50 रुपये की है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये भोगली लगा रखी है और इसकी भोगली है, ये कुल 55 रुपये MRP है यार। तो खोल के दिखाता हूँ, इसकी भोगली है, ये लगा रखी है, ये ओल्ड मॉडल की जो पुरानी ब्रेड में आया करती थी यार। भाई जब तुमने इसके रिम निकाले होंगे कहाँ गए उसकी भोगली, बैरिंग भी तो डाले होंगे ये वाले, ये पुराने बैरिंग है इसके साथ जो गाड़ी के साथ लग के आए थे, तब भोगली निकाली, भोगली का खुद बेच दी क्या, बेचने के लिए निकाल ली क्या इसकी भोगली, कि लोकल डाल दी ये वाली 50 रुपये के लिए तुमने कर दिया कांड। और ये भी निकल नहीं आ रही, देखो ये फिट आ रही है बिल्कुल। और तुम इसकी बात करो तो ये देखो कहाँ इस पर टिक रही है, ढीली पड़ी है पूरी, ये जब एक्सल ठोकेंगे जब इसका सेंटर अब नहीं आएगा, देखो कहाँ जाती है, कभी यहाँ आएगी कभी यहाँ आएगी, जब एक्सल डगे जब तो रुकेगी, मान लो एक्सल निकाल लिया अभी, हम बैरिंग ठोकते हैं, बैरिंग ठोक दिए, बैरिंग ठोक के जब एक्सल लगाएंगे कहाँ से आएगा, बैरिंग को ठोक देगा वो तो, अजीब बंदा है यार सही में। ये रही भोगली, बिल्कुल सही आ रही है इसकी ओरिजिनल भोगली, तो गाड़ी के साथ भी तो लग के आई, वही कहाँ गई वो भोगली, बेच दी क्या वो, क्या समझाऊँ यार इन लोगों को, बिल्कुल फिट आ रही है। मेन बात, 3 बार जाने के बाद भी आवाज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, ये देखिए ये, अब अगर इसको पलट के लगाएं, क्योंकि एक बार आवाज़ आई होगी गए होंगे, तो उसकी ये थी सीट लूज, जहाँ तक इनके काम से पता चल रहा है। अगर मैं इसको खींचूँगा आपको पता है क्या है, यहाँ ये देखिए ये देखो दोस्तों क्या है, ये एक लेथ वर्क पे बना के लगा रखा है, आपको देख के समझ जाएंगे ये कोई एलॉय व्हील के साथ नहीं आया हुआ है, ये खिराद पे बनाया हुआ है, इसका ये लूज़ होगा
तो उसने क्या करा कलमन ने कि थोड़ा सा देखिए ये लूज होगा कि यूं ही आ जा रहा होगा, तो कस्टमर ने शिकायत करी होगी कि आवाज़ आ रहा है, तो उसने क्या करा गया इसको घिसवाया। देखिए आपको टूल चलने के निशान आ रहे होंगे इस पर, देख रहे हैं जो लेथ वर्क पे काम होता है उसका निशान ये रहे। उसने इस पर कट लगाया, एक लोहे की स्लिप बनाई और ठोक दी और कस्टमर को भेज दिया। मगर अफसोस जब भी बाइक में व्हील की आवाज़ बंद नहीं हुई। कहाँ से होगी यार, कहीं ना कहीं तो निकला यार, ये सब क्या कर रहे हो। दोस्तों एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अभी आइए थोड़ी बात करता हूँ, पहले हम इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ सोल्यूशन निकालते हैं क्या है। मगर यार अगर जिसने भी ये काम करा है, खैर मैं तो जानता हूँ किसने करा है और वो देख भी रहा है इस वीडियो को, तो भाई मत करे यार, मत करे ये काम। क्या रखा है यार, पैसा सब यहीं रह जाएगा, दो लोगों के हराम के पैसे नहीं है, ऊपर वाला देख रहा है भाई, कुछ शर्म करो। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे जान के साथ खेला जा रहा है। इसमें बेसिकली क्या हुआ है, जब ये गए होंगे तो उसके पास बैरिंग उस टाइम था लूज, ठीक बैरिंग लूज था, उन्होंने क्या करा उसको चोट चाट मार के टाइट कर दिया, फिर भी नहीं हुआ। उन्होंने क्या करा उसको और पतला करके, मतलब उसकी थिकनेस इतनी ख़त्म कर दी, अगर जोर से गड्डाता वहाँ से कौन हिल जाती, मतलब फोर्स आप देखिए जो पूरा व्हील उस बैरिंग की छोटी सी कोन पे वहाँ टिका हुआ है, तो अगर उस पर लोड आता तो क्या होता उसका उसका हाल, रिम टूटना था वो तो। और उसके बाद उन्होंने स्लिप ठुकवा दी, वो भी ढीली। उसके बाद कमाल की बात यार, ये कोई तरीका है, मतलब 30-35 रुपए वाली जो ओल्ड मॉडल में जो आया करती थी वो भोगली लगा रहे हो, मतलब कंपनी वाले पागल हैं जो नई भोगली लगा रहे थे प्लास्टिक के बूस के साथ। वो पुरानी भोगली मोटी हुआ करती थी, और गलतफहमी बहुत बड़ी है कुछ लोगों को कि हम पुराने मॉडल की भोगली डालेंगे तो वो अच्छी होगी। बेसिकली आपको बताऊँ क्या है दोस्तों, जब आप व्हील का नट टाइट करते हो, व्हील का नट जब टाइट करते हैं आप, कुछ लोग मैंने देखा है इतनी जोर से टाइट करते हैं कार के ट्रकों के ऊपर से ना खड़े होकर वो चीज़ करते हैं। वो क्या करते हैं भाई, नट है, नट को जितना टाइट करो, जितना आप जितना भी नट को घुमाओगे तो वो लोहा घूमना है, वो श्रिंक होता रहेगा, वो प्रेस करेगा उसको, तो भोगली क्या होगी वहाँ दब जाएगी, बैरिंग पर लोड होगा, बैरिंग कट कट करने चालू हो जाएगा। तो व्हील नट इतना टाइट मत करो कि वो दबा दे, इतना ढीला मत छोड़ो कि वो खुल जाए, उसको नॉर्मली जितना टाइट होता है, जितना उसको टॉर्क देना है उतना ही आप टॉर्क देकर उसको व्हील का नट वहीं छोड़िए, तो आपको ये बैरिंग की दिक्कत नहीं आएगी। और अलॉय व्हील के तो दोस्तों अब आप इसका बिल देख लो एक बार, देखिए साइड में बिल आ रहा है ना, आप देखो उसमें कितने कितने के लगाए, अलॉय व्हील के आप देख रहे हो मुश्किल से 400 रुपये का फ़र्क है, आपको ब्रांडेड अलॉय व्हील मिल जाएंगे, जो मैं 10 साल पहले डाला करता था, आज तक जो गाड़ी में ऐसी चल रही है जिसकी सीट लूँगी वो वाले। जी हाँ दोस्तों, 6,000-6,500 रुपये के ओरिजिनल अलॉय व्हील हैं। इसमें मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना लोग सोचेंगे कि भाई उसका प्रमोशन कर रहा है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, आप कहोगे जल्दी मैं वीडियो बता दूंगा। तो ये सब मत करो दोस्तों, ये झमेलबाजी मत पड़ो दोस्तों। अगर आपको लगवाने ही हैं, आप ऐसी जगह मत जाओ कि जहां आप लूट जाओ, आप ऐसी जगह जाओ जहां स्पेशलिस्ट जो हो। देखिए दोस्तों, अगर आपका हार्ट का इलाज कराना तो आप हार्ट के पास जाओगे ना, या लोकल में किसी के पास जाओगे, आपके अगर कोई हड्डी टूटती है तो आप हड्डी के डॉक्टर के पास जाओगे, या लोकल किसी के पास जाओगे, या उसके पास जाओगे सबके पास जो सब सारी बीमारी सही करता है, आप उसके पास जाओगे जो जिसका स्पेशलिस्ट है। दोस्तों अगर आपको जाना है, अगर कोई अलॉय व्हील का स्पेशलिस्ट है तो आप अलॉय व्हील वाले के पास जाइए, अगर आपको सीटें लगवानी तो खाली सीट वाले के पास जाइए, अगर आपको मैकेनिकल काम है मैकेनिक के पास जाइए, अगर आपको लाइट का काम है तो उस तरीके से आप खुद डिसाइड करिए। तो बस दोस्तों आप समझदार हैं, आप भी समझ गए होंगे कहाँ का है, मैं नाम नहीं लेता मैं किसी का यहाँ पे, मैं नहीं बैठा हूँ किसी के औरों की तरह कि किसी का नाम लेके बदनाम करूँ, मेरा वो काम नहीं है। अगर आप वो वीडियो देख रहे हो जिसने लगाए ये, भाई भाई सब रखा रह जाएगा, यहाँ काम करो ईमानदारी से, चलो ठीक है आप ईमानदारी से काम करो, मगर वो चीज़ तो लगाओ आप, मैं ये नहीं कर रहा आप बेईमानी से, चलो ईमानदारी से करो, आपको माल पीछे से गलत मिल रहा है कुछ मिल रहा है मैं नहीं जानता इस बारे में, बट आप में दिमाग है, आप देखो आप क्या लगा रहे हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, अगर कोई कस्टमर आपसे लगवा रहा है तो आपकी बनती है उसकी पूरी जिम्मेदारी, कल को कुछ होता है वो बंदा मरता है तो आप उसके जिम्मेदार हो, थोड़ा सोचो भाई आप इस बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही, इंतजार के मेरे वीडियोस का मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियोस के साथ, तक बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। तो दोस्तों होप आप भाई वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो बस आप समझते हैं आपको क्या करना है और करिए बस आप तो, नहीं खुली है कि हाँ भाई ये है हवा बना दिया, लोगों को दिक्कत है और मुश्किल से 400 रुपए का फर्क है दोस्तों, आपको ओरिजिनल तो नहीं आई ना जिसमें ABS आए डुअल चैनल। तो दोस्तों ये भी अभी वो ही वाले रिम है, अब देखो ऑफर तो अभी चल नहीं रहा कोई, तो ऑफर ही है, ध्यान रखना दोस्तों ये जो होता है ना ये सब, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप जब को जाना है मार्केट पे यार ये गलत हो गया दोस्तों, नए रिम में यार ये कौन लगाता है बना के, देखिए क्या बताओ ये खिराज से बना के लगा रखी क्योंकि ये लूज हो गई थी। तो अब बेसिकली इस वीडियो की बात करते हैं यार, तो इसमें यही कहूँगा सर मैं यार, चल कोई नहीं,
तो उन्होंने जुगाड़ करके लगा के 6-5 रुपये करके दे दिया। यार ये गलत है भाई, हराम के पैसे नहीं है यार किसी के। दोस्तों आपको भी इतना समझाता हूँ यार, इन चक्करों में मत पड़ो। अगर आपको चाहिए तो बताइए, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ आपके लिए। अगर अलेवल आप लोगों को ज़्यादा ही पसंद है तो भाई अलेवल के लिए कोई ना कोई करूँगा जरूर। कम से कम इन गंध से तो बच जाओगे आप।